गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आप सब लोगों को गुड इवनिंग। अभी आप सोच रहे होंगे यार इतनी रात हो रही है और ये गुड इवनिंग क्यों बोल रहा है। सो गाइस अभी यहाँ पर मतलब अभी शाम का ही 5:30 भी हो रहा है यूरोप में, तो यही सही ना। देखो यहाँ पर 5:30 बजे इतना अंधेरा है। और आज क्या मतलब आज वीकेंड है और इस वीकेंड में मतलब मेरा ऑफिस का वर्क भी था तो वो थोड़ा जल्दी फिनिश हो गया। तो शाम को मतलब मैं फ्री हूँ, कुछ करने को था नहीं मेरे पास। सो आई जस्ट डिसाइडेड कि क्यों ना मैं सिटी सेंटर में जाऊँ और आप लोगों को यहाँ पर जो क्रिसमस मार्केट लगा है वो थोड़ा आप लोगों को मैं बताऊँ। सो हाँ अभी हम लोग चलते हैं। और वैसे यहाँ पर अभी प्राग में ठंड काफ़ी बढ़ने लगी है। सुबह सुबह मतलब प्राग के अंदर आ गए और अगर आप टेम्परेचर बताओ तो कुछ 0 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर है। और इवन कल तो स्नोफॉल भी बताना है कि देखते हैं क्या होता है। सुबह सभी मतलब मैं यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर आ गया हूँ जो मतलब मेरे अकोमोडेशन एरिया से सबसे नज़दीकी में मेट्रो स्टेशन है। और यहाँ से अब मैं जाऊँगा सिटी सेंटर में। तो अगर मैं ट्रैवलिंग की बात करूँ तो प्राग में ट्रैवलिंग सबसे सस्ता है। मतलब अगर आप ऐसा स्टूडेंट आते हो तो आपको 6 मंथ के पे करने होते हैं कुछ 360 चेक राउंड, और पूरे ईयर के है कुछ 1280 चेक राउंड। अगर आपकी एज 26 से कम है तो, अगर आपकी एज 26 से ज़्यादा है तो कुछ 3500 चेक राउंड है। और इम्पोर्टेंट चीज़ अगर मैं अभी आप लोगों को बताऊँ जो कि यहाँ पर एजुकेशन के रिलेटेड चल रही है, तो जब 2019 और 2020 में जो फीस थी MBA वगैरह की वो कुछ थी 2200 या 2300 यूरो, और जो IT का कोर्स था उसकी जो फीस थी पूरे साल की वो थी 800-900 यूरोस। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो रिसेंट अपडेट है उसमें फ़ीस कुछ बढ़ के हो गई है 2300 यूरोस पर ईयर, जो कि ये काफ़ी बड़ा मतलब जंप लगाया है। जस्ट बिकॉज शायद इन्हें स्टूडेंट्स मिल रहे हैं इसलिए। और जो IT में फ़ीस थी वो थी कुछ 20,000 चेक राउंड, उसको भी अब बढ़ा के ये लोग ने कर दिए अराउंड 50,000 चेक राउंड। आप हिसाब लगा लेना उस हिसाब से। तो गाइस मतलब जैसे जैसे यहाँ पर अभी न्यू ईयर क्रिसमस आएगा वैसे यहाँ पर रश बढ़ता ही जाता है। ये मतलब तो गाइस मतलब मैं यहाँ पर अभी ये ओल्ड टाउन स्क्वायर पर मैं पहुँच चुका हूँ। और आप मतलब देखोगे तो ये चारों बाजू मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी क्राउड स्टार्ट हो चुका है। अभी ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है एस्ट्रोनॉमिकल रूम। मतलब आप खुद मतलब अब यहाँ पर खुद देखो कितनी मतलब अभी पब्लिक है। और इस टाइम पे मतलब यहाँ पर न्यू ईयर का और क्रिसमस का क्रेज ज़्यादा रहेगा क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ पर कोविड था तो इतना कुछ सेलिब्रेशन नहीं था, बट इस साल मतलब पूरा अब पर सब कुछ खुल चुका है। तो पीछे कुछ इस तरह से यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर मेरे पीछे के साइड में सारे स्टॉल्स वगैरह हैं। तो ये पूरा मतलब यहाँ पर इस तरह हर साल यहाँ पर ऐसे मार्केट लगता है। यहाँ पर मतलब ऐसे सारे छोटे मोटे ऐसे स्टॉल्स लगते रहते हैं और काफी सारे मतलब ये पूरा टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये सब। लेकिन एक बात है, ये सारी चीज़ें बहुत ही लोग बहुत ज़्यादा महंगी बेचते हैं।
और ये मतलब ये जितने भी आप पूरी लाइन देख रहे हो ये सब सिर्फ ऊपर जाके वो जो पीछे क्रिसमस ट्री है उसको देखने की पूरी लाइन है। तो हम लोग भी यहाँ से एक बार ऊपर जाते हैं और उस साइड से मतलब हम पीछे की साइड से उतरेंगे। सो गाइस अभी मैं आप लोग को ये यहाँ पर ही क्रिसमस ट्री बता रहा हूँ। इसको यहाँ पर इन लोग ने एस्टेब्लिश किया था आज से कुछ 10 दिन पहले और ये एक एक्चुअल में ओरिजिनल ट्री है कुछ 55 इयर्स ओल्ड। और इसे देखने के लिए आप खुद देखो पब्लिक यहाँ पर कितनी सारी पब्लिक है, फुल क्राउड है मतलब यहाँ पर। वो पीछे है वो है एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक। मार्केट में एक चीज़ और है यहाँ पर मतलब जो कि ऑलमोस्ट सब लोग मतलब यहाँ पर टूरिस्ट से होते हैं और जितने भी मतलब यहाँ पर स्टॉल लगे हैं कुछ स्टॉल्स में यहाँ पर लिटरली लूट मचा के रखी होती है। वो लोग लिटरली स्कैम करते हैं टूरिस्ट लोगों के साथ में क्योंकि जो एक्चुअल प्राइस है उससे कहीं ज़्यादा होती है और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी से सेम प्राइस लें, किसी को ज़्यादा भी दे देते कम किसी को नहीं देते। और ये स्कैम मतलब पहले भी एक्सपोज हो चुका है यहाँ पर। तो इस मार्केट में मतलब सपोज अगर जो नॉर्मल चीज़ है वो बाहर 80 चक्राउंड की मिल रही है तो यहाँ पर उसका सीधा सीधा टूरिस्ट से 200 चक्राउंड ले लेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो स्कैम हो जाता है यहाँ पर टूरिस्ट लोग के साथ में। बट जो यहाँ पर पहले से रह रहे हो उनको पता है कैसा कहाँ पर ध्यान रखना है। ऑलराइट गाइस, तो मतलब अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है और अभी खाने का भी मतलब डिनर का भी टाइम हो गया। तो मैं आसपास में कुछ देखूँगा क्योंकि ऑफ कोर्स अब मैं वापस जाके डिनर प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं मतलब यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है, चलने में भी मुश्किल होती है क्योंकि पब्लिक काफ़ी रहती है, इसीलिए यहाँ से निकलने में ही पैसे। जैसे कैसे अभी मैं मतलब कहाँ पर जाता हूँ और पहले तो कुछ खाऊंगा उसके बाद वापस रूम पर भी जाना है, वीडियो एडिट भी करना है और उसको अपलोड भी करना है।